कॉलोनाइजर्स और दलालों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्रेडाई संस्था आमजन को जागरूक करने का अभियान चलाएगी। क्रेडाई दलालों और कॉलोनाइजर्स को भी नियमों के दायरे में काम करने के लिए बाध्य करेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने आमजन के साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजर और दलालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। वहीं इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए जिला प्रशासन कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह ने क्रेडाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां कॉलोनाइजर और डेवलपरों की संस्था क्रेडाई के साथ हुई बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने आमजन को खरीद के मामलों में जागरूक करने, दलालों और कॉलोनाइजर्स के नियमों के दायरे में काम करने के लिए प्रेरित करने का जिम्मा सौंपा। क्रेडाई के मेंबर्स आए थे, बेसिकली जो वारंट्स इशू हुए हैं दलालों को उसके संबंध में चर्चा हुई कि रीज़न क्या थे, क्या अपेक्षा है। तो क्रेडाई ने स्वीकार किया है इसको कि बिल्कुल अनुमति लेने के बाद ही सभी कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स को अपना काम करना चाहिए, रेरा कर पंजीयन कराना चाहिए, बकायदा एग्रीमेंट करना चाहिए लोगों से। तो वो लोग दो फ्रंट पर अवेयरनेस कैंपेन करने वाले हैं क्रेडाई के लोग। एक तो अपने कॉलोनाइजर डेवलपर्स को खुद अवेयर करेंगे कि किस प्रकार से उनको डेवलपमेंट अनिवार्य है परमिशंस लेना, और किस प्रकार से रेरा का सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, और किस प्रकार से एग्रीमेंट्स होने चाहिए लोगों के साथ में, ताकि हर व्यक्ति को जो भी राशि दे रहा है वो राशि का अधिकार पत्र के रूप में एग्रीमेंट उनको मिल सके। दूसरा, जो क्रेता लोग हैं उनके लिए भी अवेयरनेस कैंपेन अलग अलग स्टेक होल्डर एसोसिएशन को बुला के क्रेडाई करेगा, जिसमें क्रेताओं को क्या क्या देखना चाहिए खरीदने के पहले कोई भी भूखंड, वो जरूरी है क्या, ताकि उनका हित प्रभावित ना हो, उसके लिए अलग अवेयरनेस कैंपेन लगाएगा। क्रेडाई के सचिव संदीप श्रीवास्तव के अनुसार पूर्व में भी संस्था द्वारा कॉलोनाइजर्स को नियम कायदों में रहकर काम करने की समझाइश दी गई। जो सदस्य इन नियमों के बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए कड़ी चेतावनी के साथ फिर एक बार समझाइश का दौर चला। सर, क्रेडाई से, क्रेडाई बोर्ड से हम लोग आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं क्रेडाई सेक्रेटरी हूँ। हम लोग यहाँ आए, कलेक्टर साहब ने हमको जानकारी दी है और हम पूरी तरह से जिला प्रशासन के और सरकार के साथ में हैं। जो नियमों का, क्रेडाई का उद्देश्य अपने बिल्डर्स को, अपने सदस्यों को और ग्राहकों को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अवेयर करना है। अभी तक दिशा निर्देशों के अनुसार, नियम के अनुसार हमको किसी को भी, सबको रूल के हिसाब से काम करना है। फिर भी जैसा अभी साहब ने बताया है और जैसा मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कुछ लोगों ने किसी भी कारण से, परिस्थितिवश या रेरा नंबर ना आने के कारण, कोई डायरियों पे अगर किसी ने कुछ काम किया है, अभी सर से हमने भी ये आश्वासन दिया है कि हम लोग हमारे मेंबर्स को भी एजुकेट करेंगे, सेमिनार करेंगे, उनको बुला के बताएंगे कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें रेरा नंबर आए बगैर, और यदि किसी ने कर लिया है तो अर्लीस्ट समय सीमा के अंदर उसको रेगुलराइज कर लें। और यही कैंपेन हम आम जनता के लिए भी चलाएंगे कि आम जनता भी हमारे मेंबर से या किसी से भी प्लॉट खरीदता है या मकान खरीदता है तो उसको क्या क्या नियम कायदे देख के खरीदना है, पूरी तरह से हम प्रशासन के साथ। संस्था के उपाध्यक्ष अरुण जैन के अनुसार कुछ दलाल इस पूरे व्यापार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्रेडाई संस्था रियल एस्टेट के क्षेत्र में दलाली करने वाले सभी ब्रोकर्स को कार्यशाला के माध्यम से समझाइश देगी। लोगों को भी हम लोग एजुकेट करेंगे कि ऐसा डायरियों पे कोई काम ना करें, जो भी वैधानिक स्थिति है वो देख के ही काम करें। जिन लोगों का विकास अनुज्ञा है, रेरा नंबर है, उन्हें कॉलोनाइजर के साथ काम करें और अपना रेरा पंजीयन भी कराएं, जो वैधानिक भी है। बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। हमारे जो क्रेडाई के सदस्य हैं उन सबको बोलेंगे कि ऐसा काम ना करें, वैसे संभवतः वो लोग शामिल नहीं हैं, फिर भी अगर कोई है तो रेगुलराइज करें, जो अनुमति लंबित है वो तुरंत लें और अनुमति के बाद ही काम करें। अरुण जैन, उपाध्यक्ष क्रेडाई। इसी के साथ क्रेडाई अपने संस्था के सदस्यों के अलावा ऐसे कॉलोनाइजर और ब्रोकरों को भी समझाइश देगी जो संस्था से नहीं जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।